अस्सलाम वालेकुम कैसे आप सब लोग वेलकम बैक टू माय चैनल और आज मैं आप लोगों को चिकन फिंगर बर्गर बनाना सिखा रही हूँ बहुत इजी रेसिपी है लाइक टू टू थ्री स्टेप्स है हार्डली इंग्रेडिएंट्स बहुत सारे हैं ठीक है बट इट्स फाइन इट्स अमेजिंग ओके और साथ में बर्गर सॉस भी बता रही हूँ मैं सो फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट हम लोग को चिकन ब्रेस्ट चाहिए अगर आपको हलाल चिकन ब्रेस्ट ऐसा नहीं मिलता जैसे इंडिया में हम लोग को मुश्किल होती तो आप क्या करें अपने बुचर के पास जाएं एक पूरी मुर्गी लें और बोलें कि ब्रेस्ट ऐसा ही करके दे फोटो बता दें उन्हें ठीक है और अब मैं एक ब्रेस्ट ब्रेस तीन पैटिस करूँगी आधा करके नीचे का जो पार्ट होता है ना एक्चुअली वो एक पैटी हो जाएगी और ये जो ऊपर का पार्ट है ना उसको मैं डायग्नली अंदर की तरफ कट करूँगी तो इसमें से दो पैटी बन जाएंगे ठीक है ये बहुत मोटा होता है अगर आप पूरा होल रखना चाह रहे हैं आप पूरा होल रख सकते हैं बट ये बहुत मोटा होता है एक ब्रेस्ट पीस ठीक है तो पहले तो वो अंदर तक पकेगा नहीं मतलब अच्छे तरीके से और जूसी और टेंडर भी ना रहेगा तो ऐसा एक में से मैंने तीन कर दिया है ना फिर से मैं यहाँ करके बता रही हूँ नीचे का एक पार्टी हो गया और ये एक को मैं बीच में से कट कर रही हूँ वो हो गया ना अब मैं इसको पाउंड करूँगी क्योंकि देखिए लाइक थोड़ी जगहों पे मोटा है थोड़ी जगहों पे थिन है तो हम लोग को इसको इवन करना है पहली बात तो ईवन इसलिए करना है क्योंकि हम लोग को ईवन कुकिंग टाइम चाहिए थोड़ा कच्चा है थोड़ा पक गया वैसा नहीं चाहिए पूरा इवनली कुक होना है हम हम लोग को ठीक है और पाउंडिंग की और एक अच्छी बात क्या है ये बहुत टेंडर करता चिकन को ठीक है मैं किचन मिलने वाली थी चिकन को बहुत टेंडर करता मतलब बहुत जूसी और नरम अच्छा रहता बहुत लाइक सख्त नहीं रहता लाइक हार्ड नहीं रहता बहुत ठीक है तो ये ये एक्चुअली जी स्टेप बहुत क्रूशल है और अगर आपके पास ऐसा पाउंडिंग हैमर नहीं है तो कोई बड़ी बात नहीं है आप बेलन से कर लें मेरे पास जब नहीं था मैं बेलन से ही करती थी अगर वो भी नहीं है तो मोटा कॉफ़ी मग होगा ना कॉफ़ी मग से पाउंड कर लें वो भी पक्का चलता ठीक है ये पूरा ट्राइड एंड टेस्टेड है मैं जो बोल रही हूँ आपको और देखें ये लास्ट वाला है ये भी बहुत मोटा था तो इसको भी मैं पाउंड इवन तो ये जो नीचे का एंड होता है ना ब्रश का वो था बट ये स्टिल बहुत मोटा था तो इसको भी मैंने पाउंड कर लिया है देखे कितना अच्छा तेल है यहाँ पे थोड़ा मोटा था तो मैं यहाँ पर थोड़ा पाउंड कर ली देखो ये हो गया ना अब मैं इसका मैरिनेट बना रही हूँ चिकन का और पहले तो मैं लबन डाल रही हूँ अगर आपके पास लबन नहीं है मैं नीचे सब्सिट्यूट लिख दी कि दही से कैसा करना है इसमें हॉट सॉस सोया सॉस नमक और जो है थोड़ी मिर्ची थोड़ी काली मिर्ची और थोड़ा जिंजर गार्लिक पेस्ट और काली मिर्ची ये सब जाएंगी और पूरे डिस्क्रिप पूरे मेजरमेंट्स मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में लिख दिया है और इसको ना आप अपने हिसाब से सीजन कर सकते हैं लाइक आपको जैसा चाहिए लाइक मिर्ची कम या नमक ज़्यादा या काली मिर्ची कम सब आप अपने हिसाब से कर सकते हैं ठीक है मैं ये लेमन जूस डाली इसमें इसको अच्छे से मिक्स कर ले रही हूँ और इसमें मैं चिकन डाल दूँगी अब चिकन को आप ज़्यादा देर मैरिनेट करने की ज़रूरत नहीं है अगर आप जब का जब खाना चाह रहे हैं आप जब का जब खा सकते हैं बट मेरा मैरिनेशन का टाइम क्या था मालूम मैं नेक्स्ट बर्गर सॉस बना रही हूँ थी वो था और मैं आगे जाके मुझे पूरी वो क्या कोटिंग का भी सेट करना था तो वो भी था तो अच्छा खासा हाफ आवर था समझिए तो ये बर्गर सॉस में मेयोनीज ली और हॉट सॉस ली और मस्टर्ड मस्टर्ड सॉस ली और थोड़ी मिर्ची और थोड़ा नमक और थोड़ा काली मिर्ची भी डालने वाली हो आगे पता नहीं क्यों मैं काली मिर्ची हर जगह देर से डाली <laughs> मैं भूल ही जा रही थी शायद तो ये अच्छी ज़बरदस्त बर्गर सॉस बन गई अब आप इसमें कुछ भी डालना है आप डाल सकते हैं आपकी मर्जी है ठीक है अब यहाँ पे देखिए मैं ना अपनी कोटिंग के लिए ली। मैदा ली और कॉर्नफ्लोर ली कॉर्नफ्लोर और मैदा लाइक द बेस्ट कॉम्बिनेशन कुछ भी आपको क्रिस्पी या अच्छा चाहिए तो क्रंची और उसमें मैं थोड़ी मिर्ची डाली और थोड़ी नमक और थोड़ी काली मिर्च डाली और अंडों में भी मैं वही डाली नमक एंड काली मिर्ची मिर्ची ना डाली सिर्फ नमक एंड काली मिर्ची डाली अब मैं इसको ना अच्छे से कोट करूँगी हर पीस लूँगी पहले आपको मैदे में कोट करना है इसे मैदे में कोट करने के बाद मैं अंडे में डिप करूँगी फिर मैं वापस मैदे में लाऊँगी डबल कोटिंग करने इससे क्या होता अच्छा लाइक थिक थिक कोटिंग आती ठीक है तो आपको वही ऐसी प्रोसेस पूरों में रिपीट करना है और ओहन की एक बात बोलना था अगर आपको पूरे एक साथ नहीं बनाना है इट्स तो फाइन आप मैरिनेट करके फ्रीज़र में रख दें पूरा ठीक है ऐसी चिकन के साथ फ्रीज़र में रख दें फिर आपको जब भी ज़रूरत है दो तीन घंटे पहले निकाल दें फिर आप फ्राई करके फिर वापस रख दें फ्रिज में तो इट्स काइंड ऑफ नाइस आपको जितना भी यूज़ होना है आप यूज़ करके फिर आप वापस पूरा अंदर रख ले सकते हैं लाइक फ्रीज़र में जब भी फिर आपका दिल बोले आप यूज़ कर ले सकती है तो मैं वही प्रोसीजर रिपीट कर रही हूँ हमेशा डबल कोटिंग का फ़ायदा यही है कि बहुत क्रिस्पी और अच्छा बनाता है आपकी कोटिंग को एंड किसको क्रिस्पी कोटिंग नहीं पसंद सबको पसंद है बर्गर्स में तो बहुत ज़रूरी होता है अच्छा चले यहाँ पे ना मेरा तेल अच्छा गर्म हो गया था एंड तेल डर्टी दिख रहा मुझे पता है क्यों मालूम क्योंकि ऑलरेडी मैं इसमें पहले फ्राई कर ली थी मगर लोगों को सबर नहीं था मैं शूटिंग करें तक तो मैं उन लोग का तल के दे दी थी उन लोग को फिर मैं अपना फ्राई कर रही थी तो पहले मैं थोड़ा कोट क्या क्रम डाल के चेक करी कि तेल गर्म हो गया है या नहीं तो अच्छा खासा तेल गर्म हो गया था और ना और क्या बोलना है हाँ इसका कुकिंग टाइम बहुत कम है पहले तो हम लोग टेंडर करें इसको मार के उसके बाद हम लोग थिन स्लाइस करें तो इसकी वजह से लाइक फाइव टू सिक्स मिनट्स मैक्सिमम इसका कुकिंग टाइम है और ना मीडियम हाई हीट पे है तो हर साइड मैं तीन मिनट के लिए रखूँगी ठीक है अब पीछे पैन में मैं अपने बर्न्स टोस्ट करने वाली हूँ इफ़ यू डिन नो मेरे पास ऑलरेडी ब्रियोश मंस की रेसिपी आ गई है यूट्यूब पर मैं लिंक कर दूँगी डिस्क्रिप्शन में भी और इन श्ला मेरी स्क्रीन पर सो प्लीज़ गो एंड चेक इट आउट बहुत ईजी है बहुत ईजी रेसिपी है और अगर आप बटर में टोस्ट करना चाह रहे हैं बटर में कर लें बटर में नहीं करना चाह रहे हैं तो बटर में ना करें इट्स टोटली अप टू यू बट मुझे बस बटर में अच्छा दिखता और यहाँ पे मैं थ्री मिनट्स के बाद फ़्लिप कर रही हूँ आप थ्री मिनट्स के बाद करें या फिर आपको जो कलर चाहिए उसके बाद फ्लिप कर लें ठीक है और ना हाई हीट पे ना रखना है मीडियम हाई हीट पे रखना है चिकन को क्योंकि अंदर से पकना ही पकना भी है ना ये बस लाइक ऊपर से कलर आना वैसा नहीं है मीडियम हाई हीट पे रखें और प्लीज़ नज़र रखते रहें क्योंकि हम लोग को वो जो ऊपर की जबरदस्त कोटिंग है ना वो नहीं जलाना है सबसे इंपॉर्टेंट बात तो वही है हम लोग की बस अच्छा क्यूट लाइक क्यूट नहीं <laughs> ब्राउन गोल्डन कलर आना चाहिए अच्छा सा ठीक है अब यहाँ मेरी हो गई थी और मैं बस इसको लाइक फ्लिप करके एक बार चेक कर रही थी वापस अब हो गई थी लाइक अराउंड मेरा कुकिंग टाइम सेवन सिक्स मिनट्स था सिक्स एंड हाफ सेवन मिनट्स था उसके बाद मैं निकाल दी क्योंकि मुझे दिख रहा था कि बहुत ही देर पक रहा है क्योंकि कलर भी आ गया था ना बस पेडिशनल अंदर से ही पक गया था अच्छा खासा तो अब यहाँ पे जो बर्गर सॉस बनाई मैं उसको लगा रही हूँ आप अलग केचप लगाना है केचप लगाना है या फिर आप अलग माओनेस लगाना है लगा लें हॉट सॉस अलग जो भी आपको लगाना है बिल्कुल आपकी मर्ज़ी है इसमें तो मैं कुछ नहीं बोलने वाली हूँ एंड टॉपिंग्स भी हर चीज़ आपकी मर्ज़ी है टमेटोज़ पिकल्स पिकल्ड अनियंस कुछ भी आपको चाहिए आप लगा सकते हैं आपकी मर्जी मैं तो बस लेटस यूज़ कर रही थी एंड पीछे मेरी भांजी का हाथ है और ये था मेरा एंड रिजल्ट इतना ज़बरदस्त था ये माशाल्लाह आप प्लीज़ ट्राई करें और प्लीज़ मुझे बोलें आपको कैसा दिखा बहुत ज़बरदस्त एकदम लाइक बाहर के वैसे लाइक के एफ सी में कैसा मिलता वैसा था बिल्कुल आई होप आपको अच्छा दिखा प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब खुदा